एवरीवन, आज मैं आप सबको रोमानिया का होल प्रोसेस बता देती हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, चलेंगे कि नहीं। सो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट, जब हम इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं, इट्स मीन्स वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, उस टाइम हमें डॉक्यूमेंट जो चाहिए, पासपोर्ट स्कैन कॉपी, पीसीसी याद रखना, पासपोर्ट ऑफिस वाली चलेगी, एसपी ऑफिस वाली या थाने ऑफिस वाली नहीं चलेगी। डिजिटल फोटो चाहिए, डिजिटल फोटो 3x4 सेंटीमीटर, 80% फेस होना चाहिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये याद रखना। अगर फोटो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो इसकी वजह से भी वर्क परमिट इशू होने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और उसका सीवी जो आपका कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अप्लाई होने के बाद वर्क परमिट आ जाएगा। वर्क परमिट आने के बाद सेम डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के टाइम में भी आपको याद रखना है कि पीसीसी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए, प्लस ये वैलिडिटी वर्क परमिट के टाइम में भी 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए प्लस, एंड आपका फोटो उसमें भी फोटो का डिजिटल फोटो होना चाहिए। डिजिटल फोटो का मीन्स मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ, डिजिटल फोटो ही क्लिक करवाना। डिजिटल फोटो एक ईमेल पे आ जाता है, और अगर आप फोटो ओरिजिनल कहीं नहीं भेज पाते हो तो ईमेल के थ्रू हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, तो वो ईमेल पे ही डिजिटल फोटो भेजना, ओके। सो ये आपको क्लियर हो गया। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ डीएम, ओके। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को